नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों आज का दिन बाजार के लिए इम्पोर्टेंट है, मार्केट हालांकि बंद है बट फिर भी इम्पोर्टेंट है। क्यों है वो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगा। और एक चीज और जरूर आपसे कहूंगा कि वेदांता को लेकर काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। वेदांता के स्टॉक के कल क्वार्टरली नंबर्स आए जो मैंने आप सभी के साथ डिस्कस करे, और उसके बाद जब मैंने अपनी कमेंट बॉक्स में सारे कमेंट्स पढ़े हैं तो वहां मेरे को डिविडेंड को लेकर कुछ क्वेश्चंस हैं कि भाई 18.5 रुपए का डिविडेंड भी दिया है वो बता दीजिए। डिविडेंड नहीं दिया है, कोई डिविडेंड नहीं है, और इसके ऊपर मैं पूरी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा अगली वाली, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा। वहां मैं आप सभी के साथ क्लियर कट शो कर दूंगा कि ये जो 18.5 रुपए के डिविडेंड का कंफ्यूजन है ये क्यों क्रिएट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले अमेरिका के बाजार का अपडेट दे देता हूं मैं आपको। कुछ भी नहीं हुआ कल, मतलब खुले क्यों यही समझ में नहीं आया। 2 पॉइंट्स चढ़कर डाउ जोन्स क्लोजिंग देता हुआ दिखा है, अच्छी बात है कि हरे निशान में है। नैस्डेक इंडेक्स 30 पॉइंट गिर गया, लगभग सवा आप कह सकते हैं 1/4% कह सकते हैं आप, 0.22% नीचे कहीं ना कहीं बंद हुआ है। S&P 500 फ्लैट 1.2 पर, रसल 2000 में लगभग 1/3% की गिरावट थी, 0.35% गिरता हुआ दिखाया आपको रसल 2000। यूरोप के बाजार की बात की जाए तो फिटसी लगभग 17 पॉइंट्स ऊपर, डेक्स में फ्लैट टू नेगेटिविटी, कैक में लगभग 0.5% से ज्यादा की तेजी। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो निकाई में लाल निशान, 0.5% की गिरावट, शंघाई फ्लैट, हैंगसेंग लगभग 0.5% ऊपर देखने को मिला। तो मिक्स कारोबार था, कुछ खास और एग्जैक्ट संकेत आप कहें ऐसा कहीं से कुछ भी नहीं आया है। एक बार गिफ्ट निफ्टी का अपडेट भी दे देता हूं, 61 पॉइंट्स डाउन दिख रहा है बट 19761 पे शो हो रहा है आपको, और आप लोग क्लोजिंग देते हुए दिखे उस 19745 पे, यानी कि निफ्टी की जो क्लोजिंग है और गिफ्ट निफ्टी की जो क्लोजिंग है ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कल के लिए मंडे के लिए भी नेगेटिव संकेत है, 60-70 पॉइंट नीचे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। बाकी जब बाजार ओपन होगा तो दिख जाएगा, क्योंकि बाजार ओपन होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पे। अब आते हैं उन इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स पे। तो सबसे पहले आज 2 बड़ी बैंकों के नंबर आने हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, तो ये अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो गए हैं। देखिए निफ्टी में ICICI बैंक का 4th नंबर पे सबसे ज्यादा वेटेज है, आई थिंक 5th नंबर पे सबसे रिलायंस है, फिर आपका HDFC, फिर इंफोसिस, फिर ICICI, तो 4th-5th नंबर पे ICICI बैंक का वेटेज है, ठीक है जी। अब ICICI बैंक अपने नंबर्स पे कैसा रिएक्शन देता है ये देखने वाली बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट। प्लस कोटक महिंद्रा बैंक के भी आज नंबर है, दैट मींस आप बैंक निफ्टी में तो हैवी वॉलिटिलिटी मान के चलो कि मंडे के सेशन में आपके लिए हो सकती है, या तो गैप अप या गैप डाउन हो सकती है अगर इन स्टॉक्स ने अच्छा खासा रिएक्शन दिया तो। अभी देखिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कोटक महिंद्रा बैंक का Q1 का प्रीव्यू, रिजल्ट नहीं है, प्रीव्यू कि कैसे आ सकते हैं। अनुमान है बढ़िया नंबर रहने चाहिए, प्रॉफिट लगभग 53% बढ़ सकता है कंपनी का, बैंक का सॉरी। आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट लेंडर is likely to post a net profit of ₹3,182 करोड़, नोट कर लीजिए ये प्रॉफिट आपको देखना है, इससे ऊपर आता है अच्छा मान लेना, इससे नीचे आता है तो थोड़ा सा खराब मान लेना। 3,182 करोड़ यानी 3,182 करोड़ का प्रॉफिट कोटक महिंद्रा बैंक पेश करता है इनलाइन, उससे ऊपर करता है शानदार, उससे नीचे करता है तो ब्लो एवरेज, ब्लो एस्टिमेट कह देना। रिप्रेजेंटिंग 53% जंप ईयर ऑन ईयर बेसिस एज पर एनालिस्ट, तो 53% का जंप कंपनी प्रॉफिट में दिखा सकती है ऐसा कहीं ना कहीं लोगों का एनालिस्ट का मानना है। अच्छा अब आते हैं और ट्रिगर्स पे कि कौन कौन से और ट्रिगर हैं जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट हैं आज के सेशन में। तो क्वार्टरली नंबर्स आज तो जैसे कि 2 बड़े नाम मैंने आप सभी के साथ शेयर करे, ICICI बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, बाकी यस बैंक के भी नंबर आज के सेशन में आने हैं, थ्रूमलाई केमिकल के नंबर आने हैं, टीटागढ़ रेल के नंबर आने हैं जिसको आप वैगन्स के नाम से पहले जानते थे, टीटागढ़ वैगन्स के नाम से, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही तेजी में चल रहे हैं सारे के सारे रेलवे स्टॉक। शेषाशाही पेपर के नंबर आने हैं आज के सेशन में, स्पोर्ट किंग इंडिया के नंबर आने हैं आज के सेशन में, तो कुछ इंपॉर्टेंट नंबर भी हैं, RBL बैंक भी आज फेस करेगी, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी नंबर आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे आपको, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं जो आज अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे। अब बात करें अगर कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अपने नंबर्स पेश करते हुए दिखेंगे कल लेट नाइट, तो उसमें सबसे पहला बड़ा नाम आता है पेटीएम का। अब पेटीएम के नंबर्स कैसे आए मैं शॉर्ट में रिकैप करना चाहूंगा आप सभी के साथ। कंसोलिडेटेड नेट लॉस कंपनी का 644 करोड़ से घटकर 357 करोड़ का रह गया है, तो बहुत अच्छी बात है भैया, साल दर साल आपका घाटा आधा रह गया है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 1680 करोड़ से बढ़कर 2342 करोड़ पे हो गया, तो ये भी अच्छी बात है। मार्जिन की बात की जाए तो पहले 37.74% का मार्जिन लॉस करते थे, अभी 12.50% का मार्जिन कहीं ना कहीं नेगेटिव रह गया है, तो सुधार देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा।
एबिटा की बात की जाए तो 630 करोड़ का जो एबिटा कामकाजी नुकसान था वो अब केवल 293 करोड़ का रह गया है। अब देखिए ईयर ऑन ईयर बेस पे तो बेहद शानदार दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कैसा है ये देखने वाली बात है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ये कह चुकी है कि हम जल्दी ही कहीं ना कहीं आप जो कामकाजी लेवल पे जो हमें एकदम नेक लाइन पे आ जाएंगे कि ना लॉस ना प्रॉफिट, तो अब ये देखने वाली बात है कि कैसा होता है। लेकिन एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं ईयर ऑन ईयर बेस पे तो अच्छा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोबारा घाटा बढ़ गया है, तो ये मुझे लगता है बाजार इसको पॉजिटिवली नहीं लेगा। लास्ट ईयर लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 203 करोड़ का लॉस था, अब दोबारा 333 करोड़ का हो गया है, तो ये स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है काफी ज्यादा, तो मे बी बाजार को पसंद ना आए ये घाटा दोबारा से बढ़ना, लेट्स सी कैसा रिएक्शन आता है। मार्जिन भी जो पहले माइनस में थे 8% वो अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अभी 16% माइनस हो गया, तो दोबारा से घाटा थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कंपनियां समझ में आएंगी नहीं, पेटीएम जोमेटो ना ये कैसे अपने आप को प्रॉफिट में लाएंगी, कह रही है पर समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वेट एंड वॉच वेट एंड वॉच। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।